बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय गैलेक्सी ऑटोस। में इसलिए असद आज कितना रोजा है? तीसरा। सो आज तीसरा रोजा है, कैसा गुजर रहा है आपके रमजान जरूर बताइएगा। हमारा तो बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सो फार नो कंप्लेंट्स एट ऑल, और कंप्लेंट्स होनी भी नहीं चाहिए, एक ही महीना होता है। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा हम इबादत करके अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश कर सके, और दुआ है कि अल्लाह हमारी इबादत कबूल भी फरमाए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर अभी तक आपने बाइक में पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस और अनयूजुअल किस्म की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। काफी सारे लोग कह रहे थे पीछे वो मजार वाली लाइट बंद किया करो, तो हमने वो बंद कर दिए क्योंकि वो जब वो फ्लैश होती है तो आइटम देखने का मजा नहीं आता। बैठ जाते हैं और आपको आज के आइटम दिखाते हैं। सबसे पहले जो हम आपको चीज दिखाने लगे हैं, ये थाई का आपके पास आ जाता है, लेदर का ये साथ इसकी बेल्ट आ जाती है, ठीक है। लेदर का ये बैग है, यूं आपके लग जाएगा, ठीक है। ओल्ड स्कूल टाइप बना हुआ है, जो पुरानी टेक्सस की मूवीज अगर आपने देखी हो तो उनमें जैसे होता था काउबॉय टाइप का, तो ये उस थीम पे बना हुआ है। प्राइस की अगर आप बात करें तो ये आपको अवेलेबल है 3500 रुपए में, ठीक है। और इसके साथ ये बेल्ट है, और बेल्ट से आप क्या कर सकते हैं, बेल्ट से आप ये कर सकते हैं, आप इसके यहां से बेल्ट गुजार के, ठीक है, तो आप अपनी कमरिया के साथ भी बांध सकते हैं इसे यूं। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लग गया, आप आगे लटकाना चाहते हैं जैसे टूरिस्ट लटकाते हैं, ताकि कोई चोरी शोरी साइड से पीछे से ना कर ले। तो टूरिस्ट ज्यादातर ऐसे ही करते हैं, सामने लगा हुआ होता है तो कोई चोरी का खतरा नहीं होता। आप अपना कीमती सामान इसके अंदर रख सकते हैं। एक फ्रंट पॉकेट ये आ गया, ये भी काफी डीप है, और फिर उसके बाद पीछे भी एक पॉकेट आ गया इसका, ठीक है, बहुत डीप है, पूरा हाथ जा रहा है मेरा, ठीक है। और फिर यहाँ पे टॉप पे भी बड़ा कंपार्टमेंट आ जाता है इसके, और इसके अंदर भी कुछ बेल्ट से उन्होंने दी हुई है कि ये आपका थाई बैग भी बन जाए यूं, ठीक है। तो आप इसे जहां मर्जी लगाना चाहें, थाई पे भी लग सकता है, वेस्ट पे भी लग सकता है। और मुझे पता है आपके जहन में क्या आ रहा होगा, जी हाँ, ये मोटरसाइकिल के टापे वाली जगह पे भी साइड पे लग सकता है अगर आप लगाना चाहें तो, फॉर फैशन पर्पस एज वेल। 3500 रुपए में आपको अवेलेबल है, आप कॉल या व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली चीज की जाने, ये आपको मिलेगी 2800 रुपए की। क्या चीज है ये टैंक बैग है, जिसके साथ आपको मिलती है बहुत बड़ी यहाँ पे सेफ्टी हार्नेस कहने से या बेल्ट कहने, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा खोलते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ये मैग्नेट है, ठक करके लग जाएंगे। फिर उसके बाद अपना मोबाइल भी आप इसमें रख सकते हैं, और इसके अंदर कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं या कार्ड वगैरह रख सकते हैं आप, ठीक हो गया। फिर जी कंपार्टमेंट चेक करते हैं कितना है बड़ा इसका, ये कंपार्टमेंट है, ठीक है। इसके अंदर आप अपना जरूरी सामान वगैरह रख सकते हैं, इसके ऊपर भी आप जो चीज रखना चाहें जो इसके अंदर समा सकती है वो रख सकते हैं, कार्ड्स वगैरह हो गए, मोबाइल छोटा मोटा हो गया, रोटियां लेके आनी है तो अगर इसमें रखेंगे तो वो गर्म ही रहेगी, कुछ गद्दी टाइप है ये, वो जल्दी ठंडी नहीं होगी बाइक पे, बस ये रोटियां लेने के लिए रखेंगे आप फिर, वैसे ही जस्ट केडिंग। ऊपर मोबाइल होगा, नीचे रोटियां होंगी, तो मोबाइल का हाल खराब हो जाएगा, यहाँ पे मोबाइल रखेंगे आप। एनीवेज, दिस इज मोस्टली यूज फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट लेके जाते हैं इसे, और इसमें काफी सारी यूटिलिटी चीजें आप रख सकते हैं जो कि आपको बार बार सफर के दौरान निकालनी पड़ती हैं चीजें, वो डायरेक्ट आप इसमें रखते हैं, क्योंकि हैवी बैग्स होते हैं वो खोलने ना पड़े, वो यूटिलिटी चीजें सामने होंगी तो जहां रोके चीज निकाली और यूज करके वापस रखती। स्पीकिंग ऑफ हैवी बैग्स, यहाँ पे हमारे पास जरा मुलाहजा कीजिए, ये टेल बैग है जी, ठीक है, और इन्हें सैडल बैग्स भी आप कह सकते हैं, टेल बैग भी कह सकते हैं, लेकिन ये सैडल बैग्स की कुछ इनोवेशन है, ठीक है। अभी मैं आपको इनकी यूजबिलिटी बताता हूं, यहां से इसको हम ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये साइज इसका बड़ा हो जाएगा, इसका हजम बड़ा हो जाता है यूं। अब ये इसकी विड्थ
बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तकरीबन 1.5 गुना बढ़ जाती है। इसको ऑफर करें तो वाओ हमारे पास आता है एक अदद हेलमेट, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा था कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इस जैसे मुझे लगता है कि 3 हेलमेट इसमें आसानी समा सकते हैं, तो इट इज अ ह्यूज ह्यूज कंपार्टमेंट। फिर जी साइड पे भी आपको थोड़े से मिल जाते हैं पॉकेट्स वगैरह, ठीक है। ये वाटर प्रूफ तो नहीं है लेकिन वाटर रेजिस्टेंट है, ठीक है। पानी मतलब फुली रिजेक्ट नहीं करेगा ये पानी को, लेकिन काफी सारा ये रेजिस्ट करेगा और आपका जो कीमती सामान है वो बचा रहेगा। यहाँ पे आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि जिप जो है वो अंदर है, जिप को ऊपर से कवर करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है कि पानी इसके अंदर ना जा पाए। साइड जो इसके बॉक्सेस तो नहीं है क्योंकि ये उस तरह वो नहीं है। यहाँ पे बैग जो है साइड लोगों के, इसमें भी काफी सारी गुंजाइश मौजूद है। कंपार्टमेंट बहुत बड़ा है इसका भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर चूंकि ये साइड पे है, टक्कर लगने का खतरा होता है, तो यहाँ पे इन्होंने पैडिंग भी थिक दी हुई है। यहाँ पे यहाँ से अब इसका यहाँ से गौर से देखें तो जेप आपको इसके अंदर छुपी भी मिलेगी ताकि पानी वगैरह अंदर जाने से कासिर रहे। ये भी बड़ा कंपार्टमेंट है, काफी बड़ी जगह भाई। ये भी बड़ा, ओ हो, ये भी बड़ा। इसके अंदर में मुझे लगता है हेलमेट आ जाएगा आसानी से। वो काफी सारे कपड़े वगैरह ये वो आप स्टोर कर सकते हैं। अब ये बैग आसानी, खुद भी बड़ा बैग है ये, इसके अंदर आसानी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब वो जो दूसरी साइड वाला है वो भी सेम चीज है। तो काफी बहुत ज्यादा बड़ी कैपेसिटी आपको मिल जाती है, 125 70 cc, मतलब हर राइडर 150 250 जिस बाइक पे लगाना है आपने उस पे। ये RX3 पे तो खैर अपने बॉक्सेस वगैरह होते हैं, सब बाइक्स पे लग सकता है। प्राइस की अगर बात की जाए तो ये आपको अवेलेबल है 9,500 रुपये में। तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर मौजूद है। मेरा ख्याल है कि आज के लिए वीडियो इतनी काफ़ी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक्सपेंसिव है आइटम, मैंने आपको कल भी बताया था लाइव वीडियो में कि अच्छी चीज़ महंगी ही आती है, कचरा चीज़ बहुत मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बहुत चीप रेट्स पे भी मिल जाती है लेकिन उसके बाद बंदे का अपना कचरा हो जाता है, ठीक है। तो लोकल चीज़ों से, जो लोकल मींस ये इस तरह के बन के हमें वो इम्पोर्टेड बना के बेचते हैं, उनसे इस्तेनाब करें और डायरेक्ट इम्पोर्टेड चीज़ ही लें। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए डेली बार बार। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।